वार्ड 24 हाउसिंगपुर कॉलोनी के रहवासी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्याओं के निराकरण के नाम पर इन्हें सालों से केवल आश्वासन ही मिलते आया है और समस्याएं जस की तस बनी हुई है। वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बाबा सिद्धनाथ मंदिर के पास निवासरत रहवासी सालों से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। समस्याओं के निराकरण को लेकर इन्हें सालों से केवल आश्वासन ही मिलता आया है। क्षेत्र के लोगों द्वारा जिनकी मांग की जा रही थी, उन मांगों में प्रमुख रूप से सीवरेज चैम्बर की पाइपलाइन बदले जाने, घरों के आसपास जंगली पेड़ पौधों को काटे जाने की मांग, बढ़ती आवारा मवेशियों और आवारा कुत्तों की दहशत, बड़े पेड़ों की वजह से मकानों में करंट के आने का अंदेशा आदि शामिल हैं। क्षेत्र के लोगों की ऐसी मांग है जिसे बिना किसी विलंब के पूरा किया जा सकता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा इनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर गंभीरता से पहल नहीं की गई है, जिससे कॉलोनी के लोगों में आक्रोश है। निदान 1100 में भी शिकायत किए जाने के बावजूद समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका है। हाउसिंग बोर्ड के समय से जो समस्याएं थी वह आज भी यथावत हैं। क्षेत्र के लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज को अपनी समस्याएं कुछ इस तरह से बताई। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड 24 औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जो बाबा सिद्धनाथ मंदिर के सामने का यह एरिया है। इस क्षेत्र के रहवासी पिछले कई सालों से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ी वो समस्या है गटर जाम होने की। थोड़ी सी हल्की सी भी बरसात हो, चाहे थोड़ा सा भी पानी गिरा हो, तो पूरे आप देख सकते हो जो गटर बने हैं वो पूरी तरह से जाम हो जाते हैं। गटर के जाम होने की वजह से जो गंदा पानी वो मुख्य मार्ग पे आता है, मुख्य मार्ग में पानी, गंदा पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों के साथ साथ, दोपहिया चालकों के साथ साथ, जो पैदल यहाँ से गुजरते हैं, किसी लोगों को आना जाना दिन भर, चूँकि एकमात्र यही रास्ता है, तो आना जाना दिन भर लगा रहता है, तो लोग भी परेशान होते हैं। साथ ही से बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। यहाँ पे हम आपको यह बात बताना चाहते हैं कि चूँकि हाउसिंग बोर्ड द्वारा नगर निगम को काफ़ी वर्ष इस क्षेत्र को काफ़ी वर्ष पूर्व नगर निगम के हैंड ओवर कर दिया गया था। जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा जिस समय जो स्थिति के फल जो निगम को उपलब्ध कराई गई थी, आज भी वही स्थिति देखने को मिलती है। विकास कार्यों के नाम पर केवल लोगों को, नगर निगम प्रशासन द्वारा लोगों को ठगा जाता है। किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। अपने समस्याओं के निराकरण के लिए स्थानीय लोगों द्वारा अपने कार्यों को छोड़ करके नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटे जाते हैं, लेकिन इन्हें काम होने के नाम पर केवल आश्वासन ही मिलता है। या मूलभूत समस्याएँ आज भी जस की तस हैं। केवल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने, चूँकि ये पार्क के लिए संरक्षित जगह थी, लेकिन यहाँ पे पार्क के नाम पे केवल खाना पूर्ति की गई थी। ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी वर्ष पूर्व की बात है, लेकिन यहाँ पे पार्क नहीं बना और साफ़ सफाई भी यहाँ पे नगर निगम द्वारा नहीं की जाती। पार्क इस यहाँ पे जंगल झाड़ियाँ उग चुकी हैं जिसमें सांपों का बसेरा भी बन चुका है। हालांकि सांप काटने की घटनाएं अभी तक तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो निश्चित रूप से सांप काटने की घटनाएं भी सामने आने लगेंगी। दूसरी मुख्य समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर, यही है गटर जाम वाली, सड़क के संधारण की समस्या। तीसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये खंभे के ऊपर पूरे जो बड़े बड़े पेड़ आ चुके हैं, इसमें कभी भी इसे हादसे के अंदेशा बना रहता है। पेड़ काटने को लेकर के भी यहाँ के लोगों द्वारा निगम प्रशासन से गुहार लगाएगी कि चूँकि बिजली के तार पेड़ से ना टकराए, जो अगर पेड़ गिरने की घटनाएं होती तो निश्चित रूप से जो बिजली के तार लोगों के घरों की छत पर गिरेंगे, इससे भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के नगर निगम प्रशासन द्वारा इन्हें केवल मात्र आश्वासन दिया जाता है, खाना पूर्ति की जाती है, केवल कागजी काम किया जाता है, धरातल पे कोई काम नहीं दिखता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की कुछ महिलाएं जो अपनी जो काफ़ी परेशान हो चुकी विभिन्न समस्याओं को लेकर। इनके द्वारा लगातार काम किया जाता रहा, निगम अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा, लेकिन समस्या जस की तस। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या है। मैडम बताएंगे किस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है। क्या है ना, गटर जाम है, गटर से कोई सुनवाई नहीं है, और कितना भी कंप्लेन करो तो बोलते हैं हो जाएगा फिर, लेकिन आता कोई नहीं, झांकने कोई नहीं आता है। आज कम से कम कितना साल हो गया, आज के हम लोग अपने घर से बच्चों को ही निकलने नहीं देते हैं, इतना गटर रोड में आ जाता है, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं है। फ़ोन लगाओ 100 नंबर पर, हाँ हम आ रहे हैं कर दिए, पर करता कोई नहीं 1100 पे, पर कोई आता नहीं है। और रहा जंगल झाड़ी का, तो उसका भी कोई सुनवाई नहीं है, और बोलने से बोलते हैं पेड़ काटने का अलाउ नहीं है। कहाँ पेड़ काटने का अलाउ नहीं है बताइए ना। जैसा कि इनका कहना है कि 1100 में शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कोई टीम नहीं आती, समस्याएं जस की तरह से केवल फोन से चर्चा भर की जाती। अभी यहाँ की रहवासी हैं किस तरह की, जैसा कि अभी आपने हमें बताया था कि पानी भर जाता है, गंदा पानी आता है, तो किस तरह की समस्या और कब से है ये?
ये करीब हम लोग की समस्या है 4-5 साल से, जब से पाइपलाइन चेंज हुआ है। बाकी तरफ सब चेंज हुआ, ये वाला पाइपलाइन चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से क्या, पाइपलाइन पूरा डैमेज है, पूरा जाम हम लोग का हो जाता है, ओवरफ्लो होके बहता है। कंप्लेन करो तो उन लोग बोलते हैं काम हो गया है, लेकिन काम होता नहीं है। क्योंकि इनका कहना है कि 4-5 साल से ये समस्या, आप समझ सकते हैं कि 4-5 साल काफ़ी एक लंबी अवधि होती है, और इन्हें कार्य के नाम पर आश्वासन ये कहा जाता है कि पेड़ नहीं काट सकते। हालांकि पेड़ काटना भी एक जुर्म है, लेकिन जब लोगों को जब दिक्कत हो रही तो उस स्थिति में पेड़ निश्चित रूप से काटा जा सकता है। हमारे साथ आइए कुछ महिलाएं और भी। मैडम, किस तरह की परेशानियाँ आ रही है? परेशानी तो इधर बहुत है, इधर गटर का पाइपलाइन चेंज नहीं किए हैं, इधर गंदगी रहता है वो साफ नहीं करते हैं, बुलाने पर नहीं आते हैं लोग। पेड़ गिर गया था, ये गिर गया था, एक हफ्ता से हम लोग बुलाए लेकिन कोई नहीं आया। हाँ, वो लोग जब भी आते हैं तो पैसा मांग करते हैं। इधर पेड़ गिर जाता है, हम लोग हफ्ता दिन बुलाते रहते, किसी के ऊपर भी एक पेड़ गिर सकता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। वो लोग बोलते हैं 1100 पे फ़ोन करो, वहाँ से बोलते हैं तो भी कोई नहीं आते हैं। फिर अपने हम लोग लगवा के पैसा दे के हम लोग हटवाते हैं। इधर गटर इधर का पूरा यहाँ से वहाँ तक जाम है, उधर चल के देखिए कितना गंदा है। उधर गटर का ढक्कन नहीं है, कितने कोई गटर के ढक्कन नहीं है, सब देखिए पूरा टूटा हुआ है। इतना परेशानी है, छोटे बच्चे को निकलना मुश्किल है, पानी पूरा भरा रहता है, पीछे हुआ है, पीछे का पाइपलाइन सब तरह का चेंज हो गया। बस हमारे तरफ इतना छोड़ दिया, वही लोग बोलते हैं आप गटर की तस्वीर ले लीजिए, तस्वीर फोटो कैसा इंतजाम करके रखे हैं, उस तरफ का खींच लीजिए कितना गंदगी है। जैसा कि इनका कहना है कि मुख्य जो, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से गटर की समस्या है, और इन्हें ये कहा जाता है कि पाइपलाइन बदलनी होगी। तो पाइपलाइन बदलना है तो भाई नगर निगम प्रशासन को इसके लिए पहल किए जाने की जरूरत है, ना कि स्थानीय लोगों द्वारा पाइपलाइन बदली जाएगी। हालांकि हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में गटर जाम की समस्या जो काफ़ी वर्षों से बनी हुई, लेकिन धीरे धीरे प्रयासों, निगम के प्रयासों के उपरांत कई जगह भी स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन इस वार्ड में, इस स्थान पर ये स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएँ और भी हैं। मैडम, बताएंगे किस तरह की समस्या आपको सामने आ रही है, चूँकि आप भी यहाँ पर काफ़ी वर्षों से निवास कर रही हैं। यहाँ पर तो गटर की समस्या ज़्यादा ही है। गटर का भी तो हम खुद बनाते हैं, ढक्कन भी बना लेते हैं, लेकिन पाइपलाइन तो चेंज नहीं कर सकते ना। उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाइपलाइन चेंज करवा लीजिए गटर। धन्यवाद। देखिए, इनका भी यही कहना कि पाइपलाइन चेंज करा लीजिए, गटर भरता है तो उसको सफाई कर्मी आकर के साफ कर देते हैं, लेकिन समस्या तो जस की तरह से आवारा मवेशियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार बातें की जाती है आवारा मवेशियों को पकड़ने की, लेकिन कॉलोनी के बीच में आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही दूसरी आवारा कुत्ते भी इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में हो गए, जो आए दिन बच्चों को काटने की घटनाएं होती हैं। परसों बाबा सिद्धनाथ मंदिर के समीप ही एक आवारा कुत्ते द्वारा एक बच्चे को दौड़ा करके काट लिया गया था। दो पहिया सवार निकलते हैं तो उन्हें लगातार कुत्ते दौड़ाते हैं, जिसे अनियंत्रित होकर दो पहिया चालक गिरते हैं। इस तरह कुत्ते पकड़ने की शिकायतें भी लगातार 1100 में भी की गई है, लेकिन कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला। अभी भी कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि तमाम तरह की समस्याएं वार्ड 24 में विद्यमान है, लेकिन समस्याओं के निराकरण को लेकर लोगों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन समस्या जो है वो धरातल पर ही, जो समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, केवल फाइलों में ही हुआ है। तमाम तरह की समस्याएं हमने अभी आपको यहाँ की बताई, गंदगी से लेकर के पेड़ों की कटाई से लेकर के गटर जाम की स्थिति से लेकर के जो विद्युत पोल में जो विद्युत तार लटके हैं ऊपर, जो पेड़ों की वजह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसे लेकर नगर निगम प्रशासन क्योंकि गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी स्थानीय लोगों ने मन बना लिया कि अपनी समस्याओं को निगम प्रशासन को अवगत कराने के लिए और इसके निराकरण को लेकर के निगम आयुक्त से चर्चा की जाए, कि इसके लिए चाहे कुछ भी रूप अपनाना पड़े, क्योंकि काफ़ी दिन से परेशान है। इसकी वजह से अंतिम लड़ाई इन्होंने धरना प्रदर्शन को लेकर भी कही। आने वाले समय में देखना नगर निगम प्रशासन द्वारा इनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर के किस तरह का प्रयास किया जाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।